हे दोस्तों, आई एम सुमित एंड वेलकम टू बडी ग्रोथ, जहां आपको मिलेगा कंपनीज का फंडामेंटल ज्ञान बिल्कुल बेसिक से। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो भी इसी चैनल पर एक सब्सक्राइबर है। तो वो बोला कि सुमित यार, तूने जितने भी स्टॉक्स बताए फंडामेंटल एनालिसिस करके, उनमें बहुत सारे स्टॉक्स डाउनवर्ड जा रहे हैं। वो एग्जाम्पल दिया ग्रीन पैनल, टिन प्लेट, जेंसर टेक, IRCTC, हैप्पीएस्ट माइंड, हैवेल्स एक्सेट्रा। तो मैं से बोला कि तूने ये वीडियो में शायद ये नहीं सुना कि मैं बोलता हूँ ये स्टॉक एक दो साल के लिए नहीं, 5-6 साल के लिए है, और ये भी बोला है कि ये इन्वेस्ट करने के पहले आप अपना रिस्क जरूर देखें, बट सुनते कहाँ हैं लोग। फिर मुझे लगा कि इन स्टॉक्स के डाउनफॉल का रीज़न बताया जाए, सो आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं में से एक स्टॉक की जो लगातार गिरे ही जा रहा है, जेंसर टेक। आखिर क्या चीज़ स्टॉक के साथ हुई है जो कंटिन्यूसली गिरते ही चला जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं बिहाइंड द सीन्स ऑफ जेंसर टेक्नोलॉजी। सो गाइस, जेंसर टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, क्या फ्यूचर है, रिस्क है, इन सब पर इस वीडियो में डिस्कस करना बेकार होगा। अगर आपको ये सब जानना है तो मैं आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में मेरी फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ जेंसर टेक्नोलॉजी वीडियो का लिंक दे दूंगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले कंपनी के बारे में वो वीडियो देखे, फिर इसके आगे ये वाली। सो गाइस, जेंसर टेक्नोलॉजी के लास्ट 1 ईयर का प्राइस चार्ट पर नजर डालें तो ये देखिए कंपनी ने अपना हाई 539 रुपीज बनाया है, और ये हाई था जनवरी 2022 में। इसके बाद से कंपनी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है और डाउनवर्ड चार्ट दिखा रही है। कंपनी को फरवरी में सपोर्ट जरूर मिला था, लेकिन फिर जम करके ये नीचे आ गया। कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो ROCE और ROE 21.2 और 16.4% है, और डेट टू इक्विटी 0.11 है। कंपनी का PE दूसरी सभी कॉम्पिटिटिव से सबसे कम है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग देखी है तो इन्होंने जून 2022 क्वार्टर में ये होल्डिंग इंक्रीज की है, बिकॉज शेयर प्राइस गिर गया था। वहीं FII ने भी अपना स्टेक बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, हालांकि पब्लिक का स्टेक कंपनी में इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट लगातार पुअर आ रहा है। कंपनी की सेल्स 4-5% की स्पीड से बढ़ रही है, वही प्रॉफिट मार्च 2022 से लगातार डाउनवर्ड ही जा रहा है। कंपनी के मार्च क्वार्टर के बाद के प्रॉफिट आप इस ग्राफ में देख सकते हैं किस हिसाब से ये कम होते जा रहे हैं। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से कंपनी में डाउनफॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो कंपनी के नेगेटिव QOQ प्रॉफिट ही है। ये प्रॉफिट ग्रोथ -25% की है। डेफिनेटली IT सेक्टर रशिया यूक्रेन वार की वजह से डाउनवर्ड जा रहा है, बट इसका ज्यादा इम्पैक्ट छोटी कंपनी में पड़ता है। दूसरा रीजन डाउनफॉल का है FII की निकासी। FII ने जब IT इंडेक्स अब जाने लगा तब इन्वेस्ट किया, और जैसे वार शुरू हुई धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक स्टार्ट किया। इससे एक नेगेटिव इमेज तो बनी ही, साथ ही सेलिंग प्रेशर भी बना जिससे स्टॉक प्राइस डाउनवर्ड जाने लगा। अनदर रीजन है कि IT सेक्टर कोरोना के बाद बहुत स्पीड से अपवर्ड मूव किया। ऑलमोस्ट सभी कंपनीज का वैल्यूएशन फंडामेंटल से ज्यादा हो गया, सो एक टाइम बाद सारा IT स्टॉक नीचे आने लगा। इसमें जेंसर टेक भी शामिल हो गया। एक और रीजन है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। जून 2021 में ये मार्जिन 18% है, जो कि सितंबर 2022 में आधे होकर 9% हो गए। मार्जिन कम हुए तो प्रॉफिट भी कम हुए, और इसका असर शेयर प्राइस पे पड़ा। सो नाउ द क्वेश्चन इज, इस स्टॉक का क्या किया जाए? सेल कर देवे, होल्ड करे, या फिर और बाय किया जाए? मैंने जेंसर के सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट देखी है और सबने एक चीज कॉमन है, सबने अपवर्ड प्राइस टारगेट दिया है। द रीजन इज, एक बार IT स्टॉक्स वापस अपवर्ड मूव होना स्टार्ट करेगा तो सारी कंपनीज का वैल्यूएशन अपवर्ड मूव करेगा। जेंसर की बैलेंस शीट हेल्दी है, फाइनेंशियल भी अच्छे है, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, प्रॉफिट डाउन जा रहा है जो आने वाले 2-4 क्वार्टर में और ये सब देखने को मिल सकता है, बिकॉज इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है। नाउ अगर आप लोग लंबा सोचते हैं, यानी 4-5 साल बाद, तो कंपनी में कोई कमी मुझे नजर नहीं आई। डेफिनेटली एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बट रिवार्ड भी अच्छा लगता है। मैं खुद इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए और इन्वेस्ट करके एवरेज करूंगा। आप लोग अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है एक साल में कोई और स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है तो डेफिनेटली लॉस बुक करके उसमें शिफ्ट हो जाए, बट ऑल चॉइस इज योर्स। मैं अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और हमारे बडी ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिले सबसे पहले। कमेंट्स करके बताना कि आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।